देख लिया कि आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाला है। यहाँ पे फाइनली हमारे हाथ में है 801 जो है यहाँ पे 108 का बिल्कुल उल्टा कंट्रोलर 108 801। तो ये है 801 और बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर होने वाला गाइस। इस कंट्रोलर की क्या है खासियत है, कितनी प्राइस में पड़ेगा, आपको परचेस करना है तो किस तरीके से परचेस कर सकते हो, हमें यूज में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं, बट यहाँ पे आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो बंद कर दो यार, लेकिन स्किप मत करो वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे है ना छोटी छोटी जो मतलब पार्ट में आप देखोगे मजा नहीं आएगा गाइस, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो गाइस बने रहे वीडियो के अंदर, चलिए शुरू करो। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रोलर है उसके हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये कंट्रोलर है SP801, ठीक है। तो यहाँ पे चार पोर्ट दिए हुए हैं गाइस, तो चार पोर्ट में होगा ये कि एक पोर्ट में 1024 LED चलेंगे, तो ऐसे कर करके है ना हम 4000 LED को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये VCC है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे ये एक स्विच दिया हुआ है AP ST A, ठीक है। और यहाँ पे पावर सोर्स के लिए है एक ये पिन है जो इस तरीके की होगी और ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पे आप दूसरे जो भी कंट्रोलर में होता है ना ऐसे इधर है, तो लेकिन इधर है ना 5 से लेकर 24 वोल्ट तक कंट्रोल कर सकते हो और इधर ही 5 ही वोल्ट दे सकते हो, ये उसका फ़र्क है। और यहाँ पे एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है गाइस, और मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसका एक हम प्राइवेट वीडियो ही बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, बहुत कुछ है एप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो इसी का होगा, कमेंट करो भाई कि इसका बताएं नेक्स्ट वीडियो या फिर और कुछ, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग है ना इसको चालू करके देखते हैं। और हाँ गाइस, ये जो कंट्रोलर है ये 28/11 को भी चलाता है और 28/12 को भी चला था, ये 28/12 है और ये है 28/11। तो ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई कि भाई हमारा LED नहीं चलेगा, अगर ये LED नहीं चलता है तो फिर तो ये कंट्रोलर किसी काम का ही नहीं, लेकिन चलता है। तो हम डेमो देखते हैं, दो डिस्प्ले हमारे पास, एक ये रहा 8x16 का है और 16x16 का है। तो पूरा मैं सेटअप करके आपको कुछ इफेक्ट वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट हम उसका पूरा एप्लीकेशन के समझेंगे और उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो गाइस पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे कर लिया है और ये लाइट भी मैंने ऑफ कर दिया है। ये रहा हमारा कंट्रोलर, यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है, शायद आपको दिख रही होगी। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा जो एप्लीकेशंस है और उसके ज़्यादा क्या क्या फ्यूचर है वो सब मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर एक डेडिकेटेड ही वीडियो बनाएंगे, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। तो ये जो है वो अभी स्टार्ट करते हैं, मैंने सब कुछ कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे और अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो मैं करता हूँ ऑन, ये ऑन हो चुका है गाइस, 8x32 वाला जो हमारा डिस्प्ले है वो, और यहाँ पे टेक्स्ट भी है और एनिमेशन भी है, आप देख सकते हो पीछे इफेक्ट चल रहा है और यहाँ पे स्मार्ट इंडिया चैनल आपका स्वागत है ये सब लिख के आ रहा है, तो ये इंग्लिश में है। अभी ये है 16x16 का, तो ये भी हम ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब रेडी करके रखा है, देखो ये किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल हम करते हैं ये वाला, तो यहाँ पे इंग्लिश में आया हेलो लिख के, अभी जय बोले ये मैंने गुजराती में लिखा है, तो आपको दिख रहा होगा इफेक्ट भी चल रही है और पीछे आगे टेक्स्ट भी चल रहा है, पीछे इफेक्ट चल रही है। तो ये चीज़ है, ये भी मैंने बनाया है। अभी ये मैंने कंप्यूटर से डाउनलोड करके, GIF है ना, कंप्यूटर से नहीं गूगल से डाउनलोड करके मैंने बनाया है। देखो स्पीड भी अप डाउन कर सकते हो, ये मैंने फुल स्पीड कर दिया, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो, देखो है ना। अभी ये देखो गाइस, ये मैंने बड़े बड़े फंट में बनाया हुआ है, वेलकम टू स्मार्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर है गाइस, ये ऐसे हम टेक्स्ट और डिस्प्ले के रूप में अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया है। और
इसे है ना बड़ा सा बड़े बिल्डिंग में भी ये टैक्स चला सकते हो, चाहे कितने भी बड़े फंड बनाने हो, कितने भी एलईडी हो, हम आराम से चला सकते हैं। ये मुझे बहुत बढ़िया बात लगी उसकी कि ये सब कुछ अच्छे से चलेगा। अभी है ना हम देखेंगे इसको कि भाई किस तरीके से ये सब क्या यूज में है, किस तरीके से यूज़ करना, मैं सभी अभी दो दिन देखूंगा एप्लीकेशन के ऊपर भी मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। तो ये एकदम रिव्यू था पूरा इस कंट्रोलर का, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा गाइस, इसमें मैं कवर नहीं कर सका यार, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में इतना है। और हाँ, इसकी प्राइस की बात अगर हम करें तो ये जो कंट्रोलर है गाइस वो मुझे पड़ा है 2400 रुपये में। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्यों पड़ा इतने में और यहाँ पे मैंने कैसे लिया होगा, मैं आगे कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन ये जो कंट्रोलर है उसकी प्राइस फ़िलहाल इतनी है, मार्केट में बंदे बेच रहे हैं। लेकिन हमारे पास से आप लोगे तो फ़ायदा तो होगा ही गाइस। तो जहाँ पे ये नंबर शो रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करो व्हाट्सअप, और यहाँ पे भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमारी thesmartindia.in जो वेबसाइट है उधर कांटेक्ट करो गाइस। बाकी फेसबुक है हमारा और ये सब लिंक दिए हुए गाइस, तो आप लोगों को अगर लेना ही है तो आप लोग बिंदास रहे और कांटेक्ट करें गाइस। आई होप गाइस कि यार आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ही है तो लाइक कर दो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड लोगों को यार, उनको भी पता चलना चाहिए ना भाई कि भाई इस चैनल पे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं। चैनल पे नए मेहमान हो आपको सब्सक्राइब करना है, पुराने हैं बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके गाइस। ये फ्री होता है, बार बार मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सब कर देना चाहिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।